कोरोना संक्रमण से लोगों के जीवन को बचाने के लिए घोसी के सांसद अतुल कुमार राय की तरफ से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। गत वर्ष कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन में सांसद द्वारा गरीबों और सहायों तक राशन व मदद पहुंचाई गई। वहीं इस वर्ष सांसद द्वारा लोगों को टेलीमेडिसिन की सुविधा के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच के साथ दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ ही ऑक्सीजन की दिक्कत को समाप्त करने के लिए कलकत्ता से मंगाकर जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर व मेडिकल उपकरण स्वास्थ्य विभाग को मुहैया कराया जा चुका है। इसी क्रम में सांसद ने एक और कदम बढ़ाते हुए सोमवार को जिले में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, दवा व अन्य संसाधनों से लैस 5 एम्बुलेंस तैनात किए हैं। सांसद प्रतिनिधि गोपाल राय ने बताया कि यह एम्बुलेंस घोसी लोकसभा के 5 विधानसभा में प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक निःशुल्क सेवा देंगी। एम्बुलेंस सेवा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित पैरामेडिकल स्टाफ के साथ हर गांव हर घर तक भेजी जाएगी। पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा कोविड लक्षण से प्रभावित व्यक्ति की मौके पर ऑक्सीजन सेचुरेशन, पल्स के साथ टेम्परेचर थर्मामीटर से मापन कर टेलीमेडिसिन पैनल में मौजूद डॉक्टर से बात करके निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई जाएगी। अगर मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से ऑक्सीजन उपलब्ध कराकर पास के कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा। सांसद जी के आदेश थे, आज इस एम्बुलेंस श्रृंखला का उद्घाटन किया है। ये एम्बुलेंस ये गांव-गांव जाके हमारे ग्रामीण लोग हैं उनका निरीक्षण करेगी और जो हमारी जो टेलीमेडिसिन के डॉक्टर हैं उनसे बात कराएगी। बात कराने के बाद जो भी उनको दवा की आवश्यकता होगी सांसद जी की तरफ से मुफ्त दवा दी जाएगी। जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी वहाँ हमारे पास ऑक्सीजन भी उपलब्ध है, हम उन्हें ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराएंगे। अभी फिलहाल हमारे पास 5 एम्बुलेंस लगी हुई है और भी एम्बुलेंस हम बढ़वाएंगे, एक दो दिन में बढ़ जाएंगे। हमको घोसी लोकसभा की जनता ने जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन करेंगे। हम अपने लोगों को मरते हुए नहीं छोड़ सकते हैं। हम अपने स्तर से ये प्रयास करके अधिक से अधिक लोगों को सांसद जी के द्वारा दवा का पहुंचाया जाएगा जिससे कि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, यही हमारी प्लानिंग है।